नहीं आ रही है जी, इसलिए बड़े अदब के एहतराम से बात करें। अच्छा जी, आप अपने, हम लोग एक दफा यहाँ पे आते हैं उनको देखने के लिए, फिर वहाँ पे वार्म अप करो। क्या बोला था? बात करेंगे। आंखें बंद करो, जिन ताशा ने आंखें बंद कर लिया, मैं काउंटिंग शुरू कर दिया। 1 2 3 4 अभी अब आ गए, अभी अब आ गए। अबू जी जा, आज आ है क्या वो टाइम जिसका हमें इतने अरसे से इंतजार था। तो अभी सुबह के 5 बज चुके हैं, हम सब 4 बजे उठे हैं, हम बस निकलने लगे हैं। जल्दी जल्दी से पहने जैकेट, माँ से नैवी को आपका मेरे पास है, ठीक है, ये अपना ले लो। आ जाए जी, आज नताशा के साथ, नताशा के साथ हम कहाँ जा रहे हैं? हम बस कहीं जा रहे हैं, आपको वाइफ को पता चल गया। दस्ता करें किसी ने, पहले मुद्दा रुको, लिखता ये जो मेरी प्यारी प्यारी फैमिली इंतज़ार कर रही है, हैं? उनको तो कुछ पता नहीं है। देखिए कितने रात के टाइम है, और ये जो बास्केट्स वाले होते हैं आपको पता होगा, ये सुबह सुबह 3-4-5 बजे आते हैं, यानी कि बास्केट्स को गर्म कलेक्ट करने के। वो देखिए आज का जो सफ़र है वो बहुत मुबारक सफ़र है, बहुत खुशियों वाला सफ़र है। और मैं आपको बताऊं, आप सबकी दुआओं की वजह से, आप सबकी दुआओं की वजह से अल्लाह ताला ने आज इतनी बड़ी खुशी मुझे दी है। और इतनी सारी जब दुआएं साथ होती हैं ना, इतनी प्यारी प्यारी दुआएं, तो किस्मत ज़रूर बदलती है, याद रखिएगा। आप लोग जो कहते थे ना अल्लाह ताला तुम्हें इतनी खुशियाँ दे कि तुम समेट भी ना पाओ, मुझे आज सबकी दुआएँ, सबके वो लफ्स मुझे याद आ रहे हैं। अल्लाह ताला हमारी इन खुशियों को किसी भी बुरी नज़र से बचा के रखे, हर तरह के बुरे लोगों से बचा के रखे हमारी खुशियों को। और जो हमें खुशियों में खुश, हमें देख के खुश होते हैं, अल्लाह ताला उनके घरों को खुशियों से भर दे। आज आमीन, आमीन। आज एक मुसाफिर की दुआ है आप सब लोगों के लिए। और मिस्टर नवीद देखें जी, वो हमसे पहले चले गए हैं। डैडी कहते हैं मैं चलना तुझे आज, राम राम लाल। अच्छा मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, अभी हम लोग निकले आ गए ना हमारे घर के पास वाला रोड है जहाँ से हम बस लेते हैं, लेकिन जैसे कि अभी सुबह का टाइम है तो हर घाट तक जाने के लिए बस नहीं है। यहाँ पर ना जो ब्लाइंड्रीज होती हैं, यानी कि जहाँ से आप पना लेते हैं, तो वो बहुत सुबह सुबह खुल जाती हैं, ज़्यादा जिन्होंने सुबह नाश्ते करने। तो यहाँ पर समझ लो एक इमाम साहब थे, यानी कि वो सही मुसलमान लग रहे थे, यानी कि सही बाबा जी थे, हाँ मस्जिद के हैं, मैंने भी देखे हैं। और वो कहते हैं कि मैं, अब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम बेटा, कि हमें आप लोगों ने घाट पर जाना तो आप लोगों को छोड़ दूँ। तो डैडी तो जो है आप आगे चले गए, डैडी हमारे साथ होते तो हम साथ जरूर गाड़ी में बैठते, लेकिन देखिए कितना ये हमारा मुबारक सफ़र है कि देखिए कैसे निकलते हैं साथ ही, हमारे लिए देखिए कैसे उन्होंने जैसे गाड़ी बाहर खरीद के ऐसे वाले काम है, वो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम बेटा कि हम आपको कार पर छोड़ दूँ। तो देखिए मैं तो हैरान हो रही, कैसे भी हो सकता है, फिर हमने उनको कहा नहीं क्योंकि डैडी हमारे साथ नहीं, वरना हम आपके साथ जरूर आते। तो कहते हैं चलो कोई बात नहीं, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला जनाब आप सबको अरशों के रंग लगाए, अरशों के। आज मेरे दिल से इतनी दुआएं निकल रही है इन सब फूलों की तरह, आप लोग महकते रहें, चहकते रहें, और आप लोगों की भी ज़िंदगियां खुशियों से भर जाएं। जो जहां पे भी है, जिस मुश्किल में है, परेशानी में है, आज एक मुसाफिर की दुआ है आप सब के लिए, दिल की गहराइयों से दुआ है आज। चनवीर देखें जी, आज वो हमसे पहले तैयार हो गए, आगे आगे भागे। आज आप ऐसा समझ लें कि मैं अपने इसलिए मामा के पास जा रही हूँ, जिसके पास मेरा बचपन गुजरा है, जिनसे मैं बेहद मोहब्बत करती हूँ, यानी कि जो मुझे सबसे अजीज़ है,
समझ लिया आज हम अपने असली माँ बाप के पास जा रहे हैं। और माँ डैडी को थोड़ा बुरा लगे, लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभार है रहा। मुझे बुरा नहीं लगेगा क्योंकि वो मेरी जान है। हाँ, और आपको पता है नताशा कितने साल की थी? देख, जब मैं यानी कि जब हम आए थे, यानी कि जब से मैं उनसे नहीं मिली, तब मैं थी 6-7 साल की। आज मैं 14 साल की हो गई, उससे डबल एज की। और मतलब छोटी सी, मैं डबल साइज़ की हो गई। तो जैसे वो देखी, वो मुझे देखेंगे, वो तो मुझे पहचानेंगे नहीं कि तुम हो नताशा। क्यों नहीं पहचानेंगे? अबू के लिए थोड़ा सा होगा, इतनी बड़ी हो गई है। मुझे अभी भी याद है एक बार उस मोमेंट की, जो हमने एक साथ गुजारा था, फैमिली के घर हम जाते थे, उन्होंने मामा रमज़ान का महीना था, तो मामा जो है तरीके की सैयदी थी, तो हम लोगों ने सुबह सुबह जब मस्जिद से वापस आना ना कुरान पाक पढ़ के, तो उन्होंने मुझे पराठे बना के देने, साथ नहीं देनी, और मुझे सब कुछ याद है। एक चीज़ याद है अभी तक, उन्होंने मेरा सरनेम लिखा हुआ था पानी की बिल्ली, क्योंकि मैं पानी बहुत कंफ्यूज थी ना, तो उन्होंने मेरा नाम लिखा हुआ था पानी की बिल्ली। अब जब देखेंगे हुरैन को, तो और इतना कि ये प्यारी सी प्रिंसेस। और हुरैन की बातें आप लोगों ने भी इतनी सारी इंजॉय करनी है इंशाल्लाह। कल सुबह जैसे उठी है ना, अच्छा वैसे वो स्कूल उठते हैं ना थोड़ी मूडी होती है, यानी कि अगर वो थकी हो तो वो इतनी आसानी से नहीं उठती है। कल मैंने सीखा हुरैन उठ जाओ, आपकी नाना नानी आने वाली है। उठ के एकदम से बैठ गई थी, नाना नानी वो आने वाले हैं, वाकई आने वाले हैं, तो इतना खुशी से यानी कि एकदम से उठ गई। तो सचिन जब वो आएंगे घर, तब हुरैन की क्या फीलिंग होंगी। नताशा को आज नाश्ता तो बनता है ना बाहर से, हैं नताशा? क्या उनके साथ नाश्ता कहाँ जाते थे? लेकिन चलो, सफ़र हमारा बड़ा लंबा है ना। ये आपको दिखाते हैं अभी एक बंदा जो ये देखिए हमसे पहले पहुंच गए हैं। हैं ये मैं दिखा रही हूँ कि ये देखिए ना, मिस्टर मीर हमसे पहले पहुंच आए हैं। अच्छी लग रहा है डैडी। ठंड हो गई है ना, हवा कितना मजे की है। आ गई है जी हमारी ट्रेन, तकरीबन 2.5 घंटे का चहना ये सफ़र है, 2.5 घंटे में हम लोग पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। जल्दी जल्दी में निकली है मैंने परस। कैसी है ठंड? आप भी जैकेट पहनी है ना? तशा तो पतली सी पहनी है। तशा स्टाफ आ गया आपका। हेलो, आप जो कहते ना कलो प्रेम की तरह ना कलो पुल से मान पड़ा दें जा। ए, मेरी जान अक्का बंद मां सुख के माँ सदके। ये देखिए जी कितने जा रहे हैं हम, 4 मिनट। यहाँ से हम लोग लेंगे जी अपनी सेकेंड ट्रेन, और एक ट्रेन से हम यहाँ पे पहुँचे हैं, दूसरी ट्रेन लेके हम जाएंगे। हाय हाय, हम जाएंगे जेपी एयरपोर्ट। नहीं जी पहुँच आए हैं फाइनल फाइनल हम लोग एयरपोर्ट पे अल्हम्दुलिल्लाह। जी पहुँच आए हैं हम एयरपोर्ट पे। मिस्टर नवीद सो रहे हो? इधर से लिफ्ट कराओ ना। आज हम बहुत खुश हैं, वेरी हैप्पी। आप एयरपोर्ट पे आ गए हैं और आज एक बहुत बड़ा सर मुअज्जज़ मेहमानों से मिलाते हैं आप। आपको हम इंशाल्लाह थोड़ी देर में मिलाएंगे हमारे मुअज्जज़ मेहमानों के साथ इंशाल्लाह। थोड़ी देर में फ्लाइट आने वाली है। यस, टेरिफोर्ड फैंसी फ्लोर।
Assurez-vous de ne pas oublier votre Next station, Terminal 1. Please make sure that you have all of your luggage with you. बेकाबू हुआ जा रहा है आज मेरा दिल बेकाबू हुआ जा रहा है मेरा दिल बेकाबू काबू हुआ जा रहा है कौन सा है हम लोग अपनी मंजिल मकसूद की तरफ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू माय चैनल आप सब कैसे हैं आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे आज के व्लॉग में हमने रखा है जी आपको अपने बिल्कुल साथ साथ थैंक यू सो मच इतनी सारी मोहब्बतों के लिए फाइनली आज आ गया है वो व्लॉग जिसका आप सबको इतना सारा इंतज़ार था हम लोग तो इंतज़ार कर ही रहे थे आप लोगों को बहुत बहुत इंतज़ार था और सबसे पहले तो मैं आप लोगों से भी माजरत करूंगी कि आप लोग इतना सारा हर्ट हो रहे हैं क्योंकि मेरी जो व्लॉग है वो सोए रहमान से स्टार्ट नहीं हो रहा आप खुद सोचें कि मैं जो ख़ुद अपनी वीडियो सूरे रहमान से स्टार्ट करती हूँ अगर मैं नहीं कर पा रही तो मेरा कितना दिल दुख रहा है हुआ क्या है दो तीन दिन से पता नहीं क्यों कॉपीराइट क्लेम आता जा रहा है वीडियोस के ऊपर और मैंने वीडियो लगा के फिर मुझे वो चेंज करनी पड़ी क्योंकि मोनेटाइजेशन जो है वो रुक गई थी सिंपल वर्डिंग में ये बताऊँ कि अब मैं लगा रही थी दो तीन व्लॉग जो मैं लगा रही हूँ इस पर अगर मैं सूरे रहमान लगा रही हूँ तो मेरी जो पेमेंट है वो नहीं बन रही क्योंकि कॉपीराइट आ रहा है इसकी वजह से मुझे फिर जो है ना वो आवाज़ म्यूट करनी पड़ रही है उसको चेंज करना पड़ रहा है और चेंज करने के ऑप्शन जो थे वो जो थे उसी में से कोई ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ा है आज इसीलिए जो है ना वो मैंने इससे स्टार्ट नहीं लिया जिसका मुझे बहुत अफसोस है कोई और लगा के नेक्स्ट व्लॉग में मैं ट्राई करूँगी कि हो सकता है कोई ना कोई जो है ना वो लग जाए यहाँ पे जनाब हम पहुँच चुके हैं जी एयरपोर्ट और हम लोग बहुत जल्दी जो है ना एयरपोर्ट आ गए थे टाइम से भी आधा घंटा पहले और जब हम एयरपोर्ट आए ना तो आके देखा तो यहाँ पे फ़्लाइट जो है ना उनकी लेट थी पहले नहीं पता था हमें और वहाँ जा हमें पता चला तो बस फिर नवीद ने कहा कि चलो थोड़ा सा करते हैं जी नाश्ता और नवीद को जो है ना मैंने ले दी फिर थोड़ी सी काफ़ी हल्ला देखिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं इंतज़ार हो रहा है और ये देखिए यहाँ सामने गेट खुल रहा है ये इधर और वो हमें लिखा रहा है सामने तो फ्लाइट में थोड़ी लेट थोड़ी नहीं दो घंटे लेट हो गया अब बस इंतज़ार ही है वो देखिए वो सामने दरवाज़ा खुल रहा है ना वहाँ से बंदे आ रहे हैं तो ये देखिए यहाँ पर हम बैठे हैं सामने आँखें उधर लगाए ये देखें जी कहाँ बैठे हैं हम वो देखिए आपको नज़र आ रहा है एयरपोर्ट से बंदे निकलते हुए ताशा की नज़रें किधर जमी हुई है सीधी उस दरवाजे पे नहीं आ रही है जी इसलिए बड़े अदब के एहतराम से बात करें अच्छा जी आप अपना मोबाइल बंद करें तो फिर हम जो है दूसरी बात करते हैं इंतज़ार का टाइम कहाँ ख़त्म होता है स्पेशल जब आप इंतज़ार अपने प्यारों का कर रहे हों और मैं कहती हूँ वो दो से तीन घंटे नहीं थे पता नहीं वो कितना लंबा टाइम था जो गुजरने का नाम ही नहीं ले रहा था वहाँ बैठे बैठे बस कभी हम इधर बैठ रहे हैं कभी हम उधर बैठ रहे हैं और आज क्या था आज ना नवीद की अपॉइंटमेंट भी थी और नवीद को था कि नहीं मुझे अम्मी अबू से मिल के उनको ले के फिर मैं जाऊँगा हॉस्पिटल तो बस यहाँ पर हम लोग इंतज़ार कर रहे थे एक तरफ कभी दूसरी तरफ हम लोग ना जा रहे थे और एक गेट के पास था फिर जाके नताशा खड़ी होगी कहती है यहाँ सबसे पहले अम्मी अबू से मैं मिलूंगी मामा आपने उनसे पहले जो है ना नहीं मिलना अनवीर तो कभी दूसरी तरफ जाके खड़े हो रहे थे जो भी फ्लाइट आ रही थी ना हमें लग रहा था कि बस इसी फ्लाइट में जो है ना अम्मी अबू आ रहे हैं क्योंकि उनका शेड्यूल जो है वो ख़राब हो गया था आने का और हमें नहीं पता था कि 2 आवर्स से ज़्यादा कितना लेट होगा और जो टाइम मैंशन हुआ हुआ था ना वो टाइम पूरा हो चुका था लेकिन अभी तक जो है ना वो लोग नहीं आ रहे थे कितना खूबसूरत मैं कहती हूँ ये वक्त होता है क्या फीलिंग्स होती है ना ये परदेसी ही समझ सकते हैं और थैंक यू सो मच आप लोगों ने इतनी मोहब्बत भरे कमेंट्स किए इतनी सारी दुआएं दी इतनी सारी बेस्ट विशेज़ दी और आप लोग मेरी खुशी में इतना सारा खुश हो रहे हैं मैंने सोचा भी नहीं था कि आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को मेरे से मेरी फैमिली से इतनी सारी मोहब्बत हो जाएगी कि आप लोग बड़ी बेचैनी से आज के व्लॉग का इंतज़ार कर रहे थे तो बस मैंने भी सोचा कि बस जल्दी से जो है ना इसको एडिट करके आप लोगों के साथ शेयर करूँ और आप लोग कह रहे थे कि हमें लग रहा है जैसे हमारे पेरेंट्स आ रहे हैं आज बहुत इंतजार करना पड़ा है दशा की फीलिंग्स आज हो रहा है ये जिन्ना क्योंकि 30 मिनट रहेंगे अमीर लोगों के आने में अपने
प्यारों का इंतज़ार करना जो है ना वो आसान काम ही होता है, और वो भी एयरपोर्ट पे जो इंतज़ार होता है वो तो बस थोड़ा सा इंतज़ार चल गया। कभी मुझे वो वक्त याद आ रहा था जब मैं इतने सारे सालों के बाद अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए पाकिस्तान गई थी, और वो कितनी बेचैनी से मेरा इंतज़ार कर रहे थे। तब भी हमारी फ़्लाइट जो है ना वो लेट हो गई थी, और रमज़ान था, लास्ट जो है ना वो रोज़ा था, और अम्मी लोग जो है ना बहुत पहले जो है ना वो घर से निकल गए। उनसे सब लोगों से घर में इंतज़ार ही नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम लोग एयरपोर्ट पे इंतज़ार कर लेंगे। फिर शारजा आके भी जो है ना हमारी फ़्लाइट लेट हो गई थी, हम लोग उन पर इन्फॉर्म भी नहीं कर सके थे क्योंकि वहाँ पे वाईफाई भी नहीं था। तो बस इसी तरह वो शलवार कमीज़ में एक अंकल नज़र आए, तो नताशा कहती है अबू आ गए, दाएँ किसी और के अबू हैं। चलिए देखें भी यहाँ पे इंतज़ार। फाइनली जनाब यहाँ पे लैंडिंग का आ गया है साइन, और बस अब तो दिल की धड़कन अभी जो है ना हमारी हो चुकी है तेज़, बस पूछे ही ना। हम लोग एक दफ़ा यहाँ पे आते हैं उनको देखने के लिए, फिर वहाँ पे जाते हैं। और हम लोग तो हर साल हाफ डे देखें, अल्लाह ताला ने आज पूरा कर दिया। बस क्या कहते हैं, जब अल्लाह ताला की तरफ से कुन कहने की देर होती है, याद रखिएगा सब फायकून हो जाता है। इतने साल हो गए हैं बच्चे तरस 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 के हर साल जाएंगे। इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई, पीछे ना जरा दाएँ पीछे ना दाएँ पीछे ना ये रख रहा है। इंतज़ार की घड़ियाँ हमारी फाइनल ख़त्म हो चुकी हैं। कभी एक वो वक्त होता है जब माँ टिक टिकी बांधे दरवाजे पे इंतज़ार कर रही होती है ना अपने बच्चों का, और फिर एक ऐसा वक्त आता है जब बच्चे भी इस तरह टिक टिकी बांध के अपने पेरेंट्स का इंतज़ार कर रहे होते हैं। जिस टाइम भी दरवाज़ा खुलता है वो लगता है मतलब किस दरवाजे से आ रहे हैं, किस दरवाजे से जो है ना वो आ रहे हैं हमारे घर वाले। क्या फील हो रहा है अभी? तो बस तनी कैसे बताएं क्या फील हो रहा है। ग्रे वाली अब उसकी शक्ल नहीं दिखी, कितने उसे रिसेंट सा देखा। नवीद की ना हॉस्पिटल में बहुत ही अर्जेंट है ना वो अपॉइंटमेंट थी, उनको भी वहाँ से निकलना पड़ा। लास्ट मोमेंट तक वो इंतज़ार करते रहे कि शायद है ना अभी आ जाए मैं उनसे मिल के फिर जाऊँ, अभी आ जाए मैं उनसे मिल के फिर जाऊँ। और 7:30 बजे उन्होंने आना था, लेकिन आते आते तकरीबन 11 बज चुके थे, और 12:30 बजे वो नवीद की अपॉइंटमेंट थी। और हुआ क्या, जैसे ही वो निकले ही हैं ना उसके 2 मिनट के बाद जो है वो अम्मी लोग आ गए। अंकल निकले तो मिल गए अबू थे, वही पाकिस्तानी अंकल जी हैं ना करो क्या बोला था बात कर चौथे बजट की थी जाने हैं दस इधर आ बताए ना इधर चौथे बच्चे में किसकी जाना है? दाशा सबकी जा रही है। दाशा कहती है पहले हुरैन है फिर मामा पापा है। क्या टाइम हो गया है? मिनट कितने हैं? मिनट बताते हैं आपको। इंतज़ार पे लगी आंखें ऐसी इतनी हैं। मैं क्या उधर देखो डैडी मेरे क्या बोला नहीं साग बन के लिए अंदर तुझे इडली तो ले आ सकते हो लोग मेरी जान। कभी वालदैन की आंखें दरवाज़ों पे लगी होती हैं इतने इतने सालों के बाद, कब मेरे बच्चे आएंगे? तब हाँ वार्म अप करो एक हक दे के देखो कैसे लगता है। हाँ अ
आंखें बंद करो। जिन ताशा ने आंखें बंद कर लिया है, मैं काउंटिंग शुरू कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7। वो देखिए जी, नताशा कर रही है इंतज़ार। हेलो नताशा, नताशा आई एम हेयर। नताशा कर रही है इंतज़ार। बस फिर यहाँ पे ना नवीद भी चले गए। वो कह रहे थे बस मुझे समझ नहीं आ रही, ये अपॉइंटमेंट जो है ना एक दफ़ा पहले भी इनकी कैंसिल हुई थी, अब दोबारा से इनकी अपॉइंटमेंट थी। और यहाँ पे आपको पता रहते हैं वो जो है ना मिलते मिलते बहुत टाइम लगा देते हैं। तो बस वो बेचारे फिर ना दिल बर्दाश्ता हो के यहाँ से निकल गए। और जैसे ही वो निकले हैं ना, नताशा मुझे कहती है मामा अब दरवाजे के बिल्कुल मैंने पास खड़े होना है। अम्मी अब आ गए, अभी कैसे हैं आप? ठीक है, मर्सी मिस यू। हैं दाशा, अब देखो कितनी बड़ी हो गई है दाशा। अबू ने पहुंचना है अबू जी, फाइव कमीज आते हैं, जल्दी जल्दी अबू ने लेके आओ फटाफट। फाइनली देखें जी, आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह आ गए हैं जी अम्मी अब्बू। और फिर हम लोग यहाँ से आ रहे थे जी वापिस घर। ये देखें जी हमारे घर कौन जा रहा है। अब्बू जी थोड़ी बेटी का कार है। अब्बू जी ए पहुंचे बरकत मन। आओ जी बिस्मिल्लाह। आ जी बिस्मिल्लाह। आओ जी चला। ये देखिए जी कौन आया है हमारे घर। अब्बू जी आए हैं। अब्बू सबको बाय कर दे, सबको अब्बू की तरफ से बाय, सबको अब्बू की तरफ, सारों की तरफ से जी। अब्बू कह रहे हैं वालेकुम सलाम। ये देखिए जी मेरे साथ कौन है। अब्बू है मेरे साथ। आ गए हैं अब्बू। आज आज अबू आज अबू क्या कर रहे रे अबू मिलो। आज आज बैठ जा। बर्थडे हो गए रे झाड़ू उसके बाद जी झटपट से मैंने भी बनाया नाश्ता, क्योंकि हम लोग घर पहुंचते पहुंचते भी बहुत लेट हो गए थे। बहुत लेट बस फिर सिंपल सा नाश्ता ही हम लोगों ने किया, पराठे साथ साग साथ मकई की रोटियां। और इसी देर में जनाब फिर आ गए जी मिस्टर नवीद भी घर। नवीद खलो के आ जाए, अब मिल के दादा मिल के हैं। हेलो
मिस्टर वी दे किते कार आए हो दसो हां जरा आ जा तोड़े घर आए हैं साडे घर आए हो आज सा खान है अबई कौन आया तोड़े घर अबू जी तोड़े घर कौन आया है रैन आई हो रैन सासु ने नहीं बुलाया ये था जी आज का मोहब्बतों बरा खुशियों बरा व्लॉग जिसका आप सबको भी मेरी तरह बहुत सारा इंतज़ार था। मिलते हैं आज के साथ नेक्स्ट वीडियो में। मेरा मुझे रखिएगा दुआओं में याद, अपना अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह ताला मेरा और आप सबका हामी नासिर हो। आमीन। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर। फ़ी अमानिल्लाह।